फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल कंप्लायंस डोज में। आज मैं आपको यूपी स्कॉलरशिप के पेमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि आपको कितनी स्कॉलरशिप रिसीव हुई है स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से, आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप करना है आपको PFMS न्यू लेआउट। न्यू लेआउट सर्च कर देना आपको। इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप कब आई है, किस डेट को आई है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। क्लिक करना है फर्स्ट वाले लिंक पे, PFMS नो योर पेमेंट। ज़रा सा स्लो है इंटरनेट, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। आपको सबसे पहले अपना बैंक डालना है, आपका कौन सा बैंक है, जैसे मेरा बड़ौदा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अपना अकाउंट नंबर डालना है इस यहाँ पर आपको, आपका जो भी अकाउंट नंबर है, मैं अपना अकाउंट नंबर टाइप कर दे रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ दोबारा से आपको अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म करना है। अब ये कैप्चा कोड मांग रहा है, यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। सर्च पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, देखिए नीचे इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, बैंक नेम बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण, अकाउंट नंबर, बेनिफिशरी नेम विजय यादव, यहाँ स्कॉलरशिप आ चुकी है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड फी रिइंबर्समेंट स्कीम फॉर OBC स्कॉलरशिप नंबर है, एजेंसी नेम है, ID है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, विजय यादव एज पर बैंक नेम है, अमाउंट देखिए कितना है 3180। ये हमारी स्कॉलरशिप वापस आ गई है, बट अभी फी रिइंबर्समेंट नहीं आई है, जो अगर सरकार के पास बजट रहा तो वो ज़रूर क्रेडिट हो जाएगी 31 मार्च तक। स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है, क्रेडिट डेट दिखा रहा है 4 फरवरी 2020। तो इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर जाके डाउनलोड क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड। ये देखिए, ये खुल गई, आपका पेज आ गया। यहाँ देखिए सेम चीज़ें हैं, डाउनलोड हो चुकी हैं विजय यादव नेम से 31 अगस्त से। अभी ये स्कॉलरशिप रिलीज़ हो रही है OBC के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट के पास OBC के लिए लिमिटेड बजट है, और OBC जो हैं काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में UP में हैं, दैट्स वाई इनकी पेमेंट सेटल होने में प्रॉब्लम होती है। जनरल और SC ST के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट OBC के लिए सरकार के पास हमेशा ही प्रॉब्लम्स रहती हैं, बिकॉज दे आर नंबर ऑफ पीपल्स इन OBC कैटेगरी एंड बजट इज़ लिमिटेड इन UP। सो हमारी स्कॉलरशिप तो वो अभी दे रहे हैं फी रिइंबर्समेंट के लिए, अगर बजट बचता है तो दी जाएगी, उसमें भी परसेंटेज क्राइटेरिया अदर थिंग्स लगा दी जाती हैं, जिससे कि वो आपकी स्कॉलरशिप ईजिली क्रिएट ना हो पाए। तो फ्रेंड, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, और कोई भी लेटेस्ट वीडियो एंड इससे जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन है कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको उससे